Good morning, everyone. So welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. My name is Nitin Agarwal. So, जैसा आप लोग को पता है हमारा first point था partnership का जिसमें मैंने meaning और feature of partnership आपको clear कर दी. अब next जो topic है मेरा partnership में part two हम कर रहे हैं fundamental of partnership हम कर रहे हैं. आज हमारा जो topic है वो है that is partnership deed. ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, हम सबको डिस्कस करेंगे. और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो आगे चलते हैं. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड को समझने के लिए आपको पहले ये दो वर्ड समझना है. कौन कौन से? एक है एग्रीमेंट, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो आप ये दो वर्ड को समझिए पहले आराम से. एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो पार्टी किसी एक पार्टिकुलर टर्म पे एग्री कर जाती है, जैसे कि ए और बी ने कहा कि चलो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हमारी कैपिटल होगी, ए ने कहा कि 10 लाख रुपए, और बी कहता है कि मैं 20 लाख लगा दूंगा, तो ये एग्रीमेंट हुआ. ओनली ये बात कर रहे हैं, कोई भी रिटर्न नहीं. ठीक है, तो ये तो है एग्रीमेंट. और यदि इसी एग्रीमेंट को मैं इनफोर्सेबल बाय लॉ करवा दूं, मतलब इसको रिटर्न करके कानून से रजिस्टर्ड करवा दूं, तो वो क्या बन जाता है? तो आप ये कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा इनफोर्सेबल हो जाए, इनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, ये कानून के द्वारा रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट. ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको बात कर बताई गई. तो अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वहाँ पे कुछ ना कुछ कम है. बहुत सारे टीचर में आपको बताया होगा पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है. नहीं, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं. ठीक है, यदि पार्टनरशिप डीड आपने एग्रीमेंट किया है तो मतलब कि वो ऑरल भी हो सकता है. एग्रीमेंट जो है वो ऑरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं. तो ऑरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है, बोथ कैन बी पॉसिबल. ठीक है, दोनों पॉसिबल है. लेकिन यदि आपको उसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको रिटर्न तो करना ही होगा, फर्स्ट प्योरिटी कंडीशन, एंड लास्टली इस रिटर्न को भी आपने इनफोर्सेबल बाय लॉ करवाना है. इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, आपको उसको कानूनी रजिस्टर करवाना है. जैसे मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो नोटरी पब्लिक होती है उसे मुझे उससे अटेस्ट करवाना है. यदि ऐसा मैंने करवा दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाता है. तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट एन एग्रीमेंट, दैट इज एन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो एक एग्रीमेंट ना होता है, वो क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये आपको ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड का बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो हम देखो, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से होता है, जो कि रिटर्न और ओरल दोनों हो सकता है. कंपलसरी नहीं है रिटर्न एग्रीमेंट करना यदि, लेकिन आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हो तो वो बेटर माना. ठीक है, आपको इसके अंदर एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ठीक है, और उसको मैं इनफोर्सेबल बाय लॉ करवा देता हूँ, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अभी मैंने बताया था. और जो पार्टनरशिप डीड है इसका दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी है. ठीक है, इसे हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं. आई थिंक आपको पार्टनरशिप डीड का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, तो प्लीज वाई टाइप कीजिए. पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें हैं जो आपके यहाँ पे जरूरी होनी चाहिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर. ठीक है, जितने भी जो फर्म है उसका नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, मतलब कि फर्म का जो ऑफिस है वो कहाँ पे. उसके बाद पार्टनर जो है उनके एड्रेस क्या है और उनके नाम क्या है, ये दूसरे पॉइंट पर किसी भी बात होती है. ये चीजें ये कंपल्सरी है बताना. नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, प्लेस क्या होगा, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, तो वो यहाँ पे बताना होगा. ड्यूरेशन इफ एनी, ठीक है, यदि कोई पार्टनरशिप के आपने प्री डिसाइड ड्यूरेशन सेट कर दी है कि 30 साल बिजनेस चलाएंगे, 40 साल बिजनेस चलाएंगे, तो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे पहले से सेट करनी है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कोई 1 लाख लगाएगा, कोई 2 लाख लगाएगा, कोई 10 लाख लगाएगा, तो किसने कितना कैपिटल लगाया है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको बताना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या नहीं, होगा तो कितने परसेंट होगा, वो आप यहाँ पे बताएंगे. ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, आप यहाँ पे बताएंगे आपके ड्रॉइंग कितने की है. ड्रॉइंग मतलब कि जो पैसा विड्रॉ कर लेता है ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग करते हैं, ये आपको बताइए आप 11 करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब होता है उसके ऊपर कितना ब्याज फर्म चार्ज करेंगे.
उसके बाद प्रॉफिट चेंज रेशियो क्या होगी वो आपको यहाँ पे जस्टिफाई रखनी होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिया जाएगा, यदि पार्टनर लोन देता है फर्म को तो भी, और पार्टनर लोन लेता है फर्म से तो भी। पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर यदि कोई सैलरी ले रहा है कमीशन ले रहा है फर्म से एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि कोई पार्टनर वर्किंग हो सकता है अलग से कोई काम कर रहा है तो उसे हम सैलरी या कमीशन देते हैं अलग से, तो उसके अंदर वो कितना दिया जाएगा वो जस्टिफाई आपको यहाँ पे करना है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, ठीक है, आप मेथड वैल्यूएशन करोगे गुडविल की, फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं सेकंड चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे आप बता रहा हूँ कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक ऐसी अमाउंट होती है जो फर्म को दी जाती है उसके एसेट से ज्यादा ऑन द टाइम ऑफ सेल, जब फर्म बिकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल की बिल्डिंग की कीमत 2 करोड़ रुपए, लेकिन उस स्कूल को यदि कोई खरीदने जाता है तो 3 करोड़ में भी खरीद लेता है, तो 1 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा दिया है वो किस चीज का है, वो गुडविल का, ठीक है। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन गुडविल अलग अलग होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना होता है क्योंकि 3 मेथड है कि कौन सा मेथड आप लगाओगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन तक आप पार्टनरशिप चलाओगे, और अकाउंटिंग पीरियड फर्म का क्या होगा। वैसे तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का होता है, तो वही यहाँ पे यूज होगा। राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, हाउ डिस्ट्रीब्यूट विल सेटल, ठीक है, कोई जो भी पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, और यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके बीच में तो उन्हें सेटल कैसे किया जाएगा, तो वो यहाँ पे जस्टिफाई होगा। उसके बाद डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, यदि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब कि बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया पिट जाता है उसका, तो उस केस के अंदर जो बेसिकली क्या डिसीजन लिया जाएगा, उस पार्टनर को निकाल दिया जाएगा, जो भी होगा वो आपको एडवांस में यहाँ पे लिखना होगा। ओपनिंग बैंक अकाउंट, ठीक है, वेयर विल बी द नेम ऑफ द फर्म और पार्टनर, ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है बैंक अकाउंट खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। खोला जाएगा तो किसके नाम से, फर्म के नाम से खोला जाएगा या पार्टनर्स के नाम से खोला जाएगा, और किसके सिग्नेचर से पैसे निकाले जा सकते हैं, तो वो जस्टिफाई यहाँ पे आपको करना होता है। रूल टू बी अलाउ इन द केस ऑफ एडमिशन, ठीक है, यदि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो उसके टाइम के क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, देखो जब भी कोई पार्टनर नया आएगा या कोई रिटायर होकर जाएगा तो उस टाइम पे हमें फर्म की एक्चुअल वैल्यू पता करनी होती है, क्योंकि जब एडमिशन लेगा तो उसे पैसे लेने हैं, फर्म में एडमिट हो रहा है तो उसे कैपिटल के पैसे दूंगा, और कोई जा रहा है तो उसके पैसे मैं दूंगा, तो उस टाइम पे मुझे एसेट और लायबिलिटी की रियल वैल्यू पता करनी होती है कि आज एसेट और लायबिलिटी जो मेरे पास थी वो घटी है या बढ़ी है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चन करेंगे रिवैल्यूएशन पे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म अकाउंट्स, ठीक है, फर्म के अकाउंट्स हैं वो किस मेथड से रिकॉर्ड किए जाएंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा, तो यहाँ पे आपका जस्टिफिकेशन होगा सारा। उसके बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में आप बताओगे कि कंपनी के अकाउंट ऑडिट कैसे होंगे, कौन चेक करेगा, ऑडिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट को चेक करें, तो कंपनी के अकाउंट कैसे होंगे, किस तरीके से चेक किए जाएंगे, तो ऑडिटिंग आपको यहाँ पर बतानी होगी किस तरीके से क्या होगा, वो सब यहाँ होगा। एंड लास्टली आपको बताना होता है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेट कब होगी, पार्टनरशिप कब स्टार्ट, ठीक है, तो ये कुछ 20 पॉइंट है जो पार्टनरशिप डेट में लिखे जाते हैं, सारे कंपलसरी नहीं है, जो पॉइंट आप लिखना चाहो लिख सकते हैं और जो नहीं लिखना चाहो आपकी मर्जी, ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल पॉइंट्स होते हैं, सारे कंपलसरी पॉइंट नहीं होते, ठीक है, किसी को 20 के 20 पॉइंट में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप डीड के कुछ बेनिफिट है, यदि आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो, जैसे मैंने बताया यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका क्या बेनिफिट है, ये रेगुलेट कर देता है राइट ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर की राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, इस चीज को जस्टिफाई कर देता है आपका पार्टनरशिप डीड। उसके बाद सेकेंड बात की जाए तो इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग टू द पार्टनर, पार्टनर्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि सारे टर्म एंड कंडीशन साफ साफ लिखे हुए कि आपके पास ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये काम करोगे, इतना प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलेगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, किसी भी तरीके से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एनी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट टू द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनर डीड मे बी रिपीटली डिफाइंड, ठीक है, कोई भी यदि डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप डीड के बेस पे हम उस डिस्ट्रीब्यूट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। लास्ट में हम कहते हैं बेसिकली ये तो है ही है,
ये पार्टनरशिप डीड यदि रिटर्न में है और एक एग्रीमेंट बन चुकी है तो ये हमेशा अच्छा रहता है पार्टनर के लिए भी और पार्टनरशिप के लिए। ये सिग्नेचर होती है और रेगुलेट होती है अंडर दी एक्ट जो कि है पार्टनरशिप, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ जी, बेनिफिट में किसी बच्चे को डाउट, किसी को डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। द रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस के अंदर कौन से रूल्स लगे। तो इस रूल्स को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। आपको इसमें से सिर्फ दो रूल याद करना है, एक तो करना है पार्टनरशिप रेशियो का जो कि रहेगी इक्वल, किसी पार्टनर ने कितना भी पैसा लगाया होगा हमारी जो रेशियो होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। जैसे ए पार्टनर है उसने 1 करोड़ रुपया लगा दिया, बी पार्टनर है उसने सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, दोनों यहाँ पे इसने सिर्फ 1 करोड़ लगाया, इसने 1 लाख लगाया। यदि डीड नहीं है तो दोनों को प्रॉफिट बराबर मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितना पैसा, ठीक है जी, तो रेशियो हमेशा इक्वल रहेगी यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। दूसरा रूल मैं आपको जो याद करने के लिए कह रहा हूँ वो है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन जो यदि पार्टनर से आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा 6%, कितना चार्ज होगा जी 6% होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना लोन आपने दिया है, इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा 6% पर एनम, ठीक है, 6% सालाना, ये भी याद रखना 6% पर एनम है, मतलब सालाना 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा यदि डीड साइलेंट है, यदि डीड में लिखा है तो जितना लिखा उतना ही देगा, ठीक है। तो ये दो रूल तो आपको याद रखने हैं और बाकी सबके लिए याद रखना एक बड़ा सा नोट, क्या याद रखना, बड़ा सा नोट, जैसे आप हर चीज पे कर देते हो नहीं मुझे नहीं आता, वैसे ही बस बड़ा सा, ठीक है, कि मुझे नहीं पता या इसमें ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इन चारों चीजों के लिए आपको क्या याद रखना है, एक बड़ा सा नो याद रखना है कि यदि डीड साइलेंट है तो ये चारों चीज नहीं होंगी। चार कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको एक बड़ा सा नो याद रखना है। आई थिंक रूल सबको क्लियर हो गए होंगे, मैं दोबारा एक छोटा सा क्वेश्चन रिपीट बता देता हूँ। पार्टनरशिप रेशियो जो होगी वो इक्वल होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6%, ये कब है, जब डीड साइलेंट है तब, मतलब कि कुछ नहीं बता रखा तब, यदि लिखा हुआ तो वो मानना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज नहीं करोगे, सैलरी और कमीशन आप पे नहीं करोगे। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे का डाउट है तो बता सकते हो। सीबीएसई से मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया जाएगा, अभी बताया मैंने, एक सेकंड का बताओ बताओ, ABCD कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने बताया था रूल नंबर 2 कि 6% पर एनम, 6% सालाना के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। सीबीएसई ने इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक आज तक पूछा है, जो मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूछा था, ठीक है। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से लेक्चर क्लियर हुआ होगा, सभी को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप हमारी लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर, जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9999651500, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं यदि कोई बच्चा करना चाहता है। फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको इसी नंबर पे बता दिया जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग।